हे एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अगस्त का महीना है 15 अगस्त की ईव है है बस आने वाला हमारा सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे और जैसा कि इंडिया में हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है तो आपको हर घर में हर गाड़ी पे दुकानों पे हर जगह फ्लैग आपको अपना लहराता हुआ दिखेगा तो उसके तहत फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले आई विश यू ऑल हैप्पी मिली है तो इसे enjoy करें, अपने देश के लिए डिस्कशन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया रूल्स एंड अमेंडमेंट बाई मी रूल्स एंड अमेंडमेंट्स जानने से पहले कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं अपने नेशनल फ्लैग की कि कब कहां से शुरुआत हो गई थी एंड कहां तक आकर वो खत्म हुआ 1906 में 1906 में द फर्स्ट नेशनल फ्लैग सबसे पहली बार जो अपना नेशनल फ्लैग था जिसमें थ्री हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थे ऑफ रेड कलर येलो कलर एंड ग्रीन कलर लाल पीला एंड हरा ये तीन रंग की स्ट्रिप्स थी इज सेट टू बी हैव बीन हॉइस्टेड ये वाला तीन रंग का जो है लहराया गया था 7 अगस्त 1906 को एट द पारसी बगान स्क्वायर नियर लोअर सर्कुलर रोड इन कैलकाटा तो ये 1906 से शुरुआत हो गई थी फ्लैग की कंसेप्ट की लेकिन डिजाइन कुछ इस तरह सा इस तरह का था लाल पीला एंड हरा का स्ट्रिप्स थी थ्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स 1921 में क्या होता है लेटर इन 1921 फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया मेट महात्मा गांधी ये हमारे फादर ऑफ नेशन है

इसके बाद क्या होता है ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल फ्लैग एट कांग्रेस मीटिंग एट कराची 1931. फिर कुछ चेंजेस के बाद ट्राई कलर अडॉप्ट किया हमने अपना 1931 में कांग्रेस कमिटी में मीटिंग हो रही थी कराची में 1931 पाकिस्तान नाउ 1947 में क्या होता है इन नाइनटी फोर्टी तो आपको पता आज़ाद हो गए थे द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म आज हम जिस तरह का नेशनल फ्लैग देखते हैं 1947 में ऐसा ही हमने इसको एक्सेप्ट किया था इसमें बहुत सारे चेंजेस करने के बाद एंड चेंजेस कब से हो रहे थे 1906 से हो रहे थे और ये हमने एक्सेप्ट किया था हमने अडॉप्ट किया था कब किया था किस मीटिंग में इन मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को उससे पहले जुलाई में हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था तो ये कुछ हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग की लेट्स मूव ऑन टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देखिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इस पूरे प्रेस का मतलब ये है कि हम अपनी फ्लैग का कहीं पर भी उन्हें लहरा नहीं सकते किसी भी तरह से रख नहीं सकते उसके बहुत सारे कोड्स हैं आपको वो सारे कोड्स फॉलो करने पड़ते हैं तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को फॉलो करना इज द रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैग तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कुछ कोड्स बनाए कुछ रूल्स बनाए जो कि हम उस उसपे हर एक फ्लैग पर एप्लीकेबल होते हैं द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको उसका एयर याद रखना है ये दो दो में आया था

2002 फ्लैग कैसा है आपका कैसा होना चाहिए उसका जो टेक्स्टर है फैब्रिक है वो कैसा होना चाहिए ये सारी बातें पार्ट टू बेस्ड ऑन डिस्प्ले पार्ट टू जो है वो हमें ये रूल्स बताता है कि कैसे तुम लगाओगे कैसे फ्लैग लहराना चाहिए किस टाइम होना चाहिए किस टाइम नहीं होना चाहिए उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए ये सारी बातें इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन पार्ट टू ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इन पार्ट थ्री इट इज डिवोटेड ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द स्टेट कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी एजेंसीज वो कैसे फ्लैग्स को होस्ट करेंगी तो भाई देश की शान बान और आन होता है झंडा तो उसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए तो जो कि हमें मानने चाहिए सो लेट्स स्टार्ट देखते हैं क्या रूल्स हैं सबसे पहला आ जाता है द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग इज गवर्न अच्छा ये कौन से रूल में गवर्न है द प्रोविजन ऑफ एम्बल एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट पहला तो ये दूसरा प्रिवेंशन ऑफ टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहीं पर भी आप किसी भी देश के एम्बलम का उसके नाम का उसके तिरंगे का किसी भी चीज का आप नुकसान या डिसऑनर करना डिसरिस्पेक्ट करना ये दो रूल्स इसमें चलते हैं ये दो एक्ट बने हुए हैं इसके तहत सजा या पनिशमेंट मिलती है द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू थाउजेंड टू इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल सच लॉज कन्वेंशन प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन गाइडेंस एंड बेनिफिट अच्छा जो फ्लैग कोड बना दिया गया वो एक कोशिश की गई है कि सारे रूल्स सारे लॉज हम एक ही साथ ले आए

या फिर हैंड हैंडवोवन वुल कॉटन सिल्क खादी बस यही कुछ फैब्रिक्स जो हमें अलाउ थे पॉलिस्टर कोई भी सिल्क तो है चली पॉलिस्टर और भी जो मिक्स्ड एक आधे फैब्रिक्स होते हैं कुछ भी नहीं यही कुछ फैब्रिक्स अलाउ थे सेकंड पॉइंट द कलर ऑफ द टॉप पैन ऑफ द फ्लैग शैल बी इंडियन साफरन कंफ्यूज नहीं होना साफरन कलर है जो इंडिया का है तिरंगा का वो जो केसरिया रंग है

उसमें ट्वेंटी फोर स्पोक्स बनेंगे और बराबर बराबर बनेंगे एक दूसरे से बराबर स्पेस में और एकदम फिट तो ये तीन रंग हैं और बहुत ही ध्यान से क्योंकि ऑरेंज के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं गर्ल्स कैन रिलेट तो लेकिन इंडियन सेवरण इज डिफरेंट एंड इंडियन ग्रीन इज डिफरेंट लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, ग्रीन बॉटल ग्रीन सारे शेड्स अलग एंड इंडिया का कलर तिरंगे का अलग द अशोक चक्र प्रेफरेबली बी स्क्रीन प्रिंटेड या तो वो स्क्रीन प्रिंटेड करा लो या फिर प्रिंट करा लो स्टेंसल करा लो सूटेबल एम्ब्रॉयडरी करा लो एंड बी कंप्लीटली विजिबल ऑन बोथ द साइड ऑफ द फ्लैग एट सेंटर ऑफ द वाइट पैनल मतलब अगर मैंने तिरंगे को एक तरफ से अगर करवाया कलर करवाया तो मुझे उसकी उल्टी तरफ से भी अशोक चक्र बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए इस तरह का फ्लैग होना चाहिए आपका ये कोड बोलता है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप गोल तिरछा ट्राइंगल कोई भी शेप नहीं चलेगी इट शुड बी प्रॉपर रेक्टेंगल एंड शेप अच्छा ये कुछ डिमेंशन हैं अगर फ्लैग साइज के लेंथ एंड विथ कब कब होनी चाहिए साइज ऑफ अशोक चक्र कैसा होना चाहिए ये आप देख लीजिएगा इतने डायमेंशन्स का हमें ख्याल रखते हुए लेंथ एंड विथ का ये फ्लैग डिजाइन करना चाहिए देन कम्स द फ्लैग्स ऑफ 415 फिफ्टीन टू थ्री हंड्रेड एम एम साइज आर इंटेंडेड फॉर द एयरक्राफ्ट वी फ्लाइट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की फ्लाइट्स होती है या yeah, एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी उनमें जो तिरंगा होता है उसका साइज इज दिस फोर फिफ्टी इंटू थ्री हंड्रेड एम एम टू ट्वेंटी का झंडा लगता है एंड इज साइज फॉर टेबल फ्लैग्स जब देखा हो ना साइड में टेबल्स में फ्लैग लगाते हैं तो उसका साइज इज एक सौ पचास इंटू सौ ये ही लगेगा नेक्स्ट पॉइंट देर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं लिखा था कि कर सकता है लेकिन कोई मनाही नहीं है प्राइवेट वाले भी चाहें तो वो फ्लैग को यूज कर सकते हैं लगा सकते हैं लेकिन जो भी उनको छूट दी गई है एम्पलेमेंट नेम्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए कहीं उसका कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको फ्लैग का यूज करना है फ्लैग इज नॉट समथिंग कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज नहीं है वो बहुत रिस्पेक्ट की चीज है आप देखिए हम उन्नीस से उसको अर्न कर रहे हैं कि हम कैसे आजाद हुए तो हम उसका ध्यान रखें हम उसको रिस्पेक्ट दें ना कि हम उसका

रात में झंडा नहीं लहराना चाहिए आप सुबह सुबह उठ के जो अर्ली मॉर्निंग होती है तब आप आप वॉइस करें शाम तक उसे उतार लें द द फ्लैग फ्लैग शैल नॉट टू टच ग्राउंड गलती से भी जमीन पर इंटेंशनली ना छुए या पानी में ना तैरता हुआ दिखे ठीक है तो ये चीजों इन चीजों का ख्याल रखें इंटेंशनली उसके साथ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट होती है अगर ऐसा हो रहा है तो नेक्स्ट द फ्लैग शैल नॉट बी डिप्ड एंड सल्यूट टू एनी पर्सन और थिंक किसी भी इंसान के लिए किसी भी चीज के लिए फ्लैग को डिप सल्यूट के लिए आप नहीं करेंगे देन द फ्लैग शैल नॉट बी यूज एज अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम किसी भी यूनिफॉर्म में वो नहीं छपना चाहिए किसी ड्रेस में वो नहीं छपना चाहिए एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए पेंटर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पे आप

That also comes under disrespect. The flag shall not be used as a covering. ये हो चुका है The flag shall not be used as a receptacle for receiving, delivering or holding, carrying anything. अच्छा उसका कोई कुछ उसका इस तरह से यूज नहीं करेंगे या उसमें सामान भर लें या आप उसमें कुछ कपड़ों उसको उसको उसके ऊपर कपड़े रख के अपना कपड़े की पोटली बना लें या सामान इधर से उधर पहुँचाने के लिए उसे एज पोटली यूज करें तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना अच्छा से बना हुआ फ्लैग भी होइस्ट किया जा सकता है उसका भी आपको ध्यान रखना है. पेपर फ्लैग्स शुड नॉट बी डिस्कार्डेड और थ्रोन ऑन द ग्राउंड आफ्टर द इवेंट मुझे याद है जब हम छोटे थे पंद्रह अगस्त पर जब हम स्कूल जाते थे फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तो पेपर फ्लैग्स मिलते थे हमें एक रुपए का पेपर फ्लैग मिलता था एंड वो घर आते आते बिल्कुल उसकी हालत खराब हो जाती थी तो दो आई वो टॉट बाय माई पेरेंट्स की फ्लैग को कभी भी ऐसे नहीं रखना तो मैं उसको ध्यान से एकदम रखती थी तो आपने भी देखा होगा कि पेपर फ्लैग्स का ये होता ही है और मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे जो जो वीडियो देख रहा है कि प्लीज 15 अगस्त तक तो हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं हर जगह आपको तिरंगा दिखेगा लेकिन 15 की शाम होते होते एंड 16 की सुबह होते होते कहीं पर भी तिरंगा आपको इधर उधर फेंकता हुआ मत

मैं भी रख रही हूं एवरी वन इज इज एक्टिव कि हम इस बार ऐसा कोई भी चीज नहीं करेंगे देन कम्स अ फ्लैग शेल नॉट बी इंटेंशनली डिस्प्लेड विथ सेफरन डाउन अच्छा जान बूझ चलकर आप उल्टा फ्लैग नहीं लगाएंगे ऊपर साफरन है नीचे ग्रीन है तो ऊपर ग्रीन है नीचे साफरन नहीं करेंगे अ मेंबर ऑफ प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और एन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हॉइस डिस्प्ले अच्छा कोई भी प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल कोई कॉलेज नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट कर सकता है कब कर सकता है जो भी उसके रिलेवेंट डेज होते हैं या फिर ऑल डे कभी भी कर सकता है लेकिन डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ ही आपको उसे फ्लैग को हॉइस्ट करना है नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड हायर किसी और झंडे को अपने झंडे से हाई नहीं लगाएंगे ना उसके अबव लगाएंगे ना उसके साइड बाय साइड लगाएंगे नेशनल फ्लैग के

डिग्निफाइड तरीके से ये नहीं कि आप उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं आप उसको बिल्कुल थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट के साथ उसे देख लें क्या करना है तो ये थे कुछ रूल्स जो हमने पढ़े थे सम ऑफ द रूल्स ऑफ पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स गवर्न करते हैं ट्राई कलर को पार्ट फोर ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फोर ए जो कि हमारा डील करता है फंडामेंटल uh, ड्यूटीज के साथ द पार्ट फोर ए

दूसरा रूल जो आता है वो है द एम्बलेम एंड नेम्स एंड यूज एक्ट नाइनटीन ये बोलता है इट रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ नेशनल फ्लैग कोर्ट ऑफ आर्म्स यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल सीट ऑफ पर्सन प्रेसिडेंट और गवर्नर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द अशोक चक्र इनके साथ आप कोई भी मिस यूज या इनके नाम का इनके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये भी रूल चलता है आपका ये क्या बोलता है इट प्रोहिबिट्स द desecration or और ऑफ और इंसल्ट ऑफ कंट्रीज नेशनल सिंबल्स इसमें आप किसी भी देश के नेशनल सिंबल को चाहे वो नेशनल फ्लैग हो कॉन्स्टिट्यूशन हो नेशनल एंथम हो इंडियन मैप हो किसी के साथ भी इंसल्ट या डिसक्रिएशन नहीं करेंगे आप अगर करेंगे तो इसके तहत आपको उसके जो भी इसमें पेनाल्टीज होंगी या पनिशमेंट्स होंगी वो आपको मिलेंगी A person who is convicted for the following offences under the Parliament and State Legislature for सिक्स years. इनमें से कोई भी इनकी जो तीन पॉइंट्स हैं इसमें से कोई भी अगर कोई इंसान करता है तो वो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इलेक्शंस में चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हो फॉर three years, सॉरी फॉर six years, छह साल के लिए आप के ऊपर बैन लग जाएगा

स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन में पार्ट लेने का सोच रहे हैं तो फिर वो भूल जाइए एटलीस्ट छह सालों तक अब हम आ जाते हैं कुछ रीसेंट अमेंडमेंट पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करे हैं नेशनल फ्लैग से रिलेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस नेशनल फ्लैग कैन नाउ रिमेन हॉइस्टेड थ्रू द नाइट इफ इट इज ओपन अच्छा पहले कि अभी आपको जब मैंने रूल्स बताए थे मैंने कहा था कि नेशनल फ्लैग केवल सनराइज से सनसेट तक केवल लहरा सकता है लेकिन अब रीसेंट अमेंडमेंट जो आया है वो बोल रहा है कि नहीं अब आप रात में भी उसे लहरा सकते हो अगर वो ओपन एरिया में है तो छत पे है किसी पब्लिक एरिया में है किसी पार्क में है तो वहां पर वो रात में भी लहरा सकता है नो no इशूज लेकिन उसे कौन लहराएगा कोई भी जनता जनरल पब्लिक का कोई भी एक इंसान उसे हॉइस्ट कर सकता है अर्लियर द ट्राई कलर कुड भी ना पहले करो तो आपको पता है कि सनराइज सन सेट रहेगा लेकिन अब ये चेंज हो चुका है गवर्नमेंट हैड अर्लियर है गवर्नमेंट ने पहले भी अमेंड किया था और बोला था कि ठीक है मशीन मेड भी चलेगा पॉलिस्टर फ्लैग्स भी चलेंगे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हैंड स्पन होना चाहिए खादी होनी चाहिए कॉटन होना चाहिए सिल्क होना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट ने पहले अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया था कि ठीक है मशीन से भी आप बना सकते हो एंड पॉलिस्टर फैब्रिक अगर है तो उसको भी आप यूज करके फ्लैग को बना सकते हो एज गवर्नमेंट लॉन्च हर घर तिरंगा कैंपेन अब इस साल इस इंडिपेंडेंस पे एक जो नई कैंपेन चल रही है इंडिया में बच इज हर घर तिरंगा ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को और अलाउ किया है फॉर द नेशनल फ्लैग टू बी फ्लोन इवन एट नाइट तो इस कैंपेन के तहत जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने अमेंडमेंट करके ये चीज इंप्लीमेंट कर दी है इन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ऑल राइट सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेशन पसंद आया होगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं ये ये, ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है पॉलिटी क्या है अगर आपको इस पॉलिटी टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी वन हमारा झंडा तो उचा रही हमें हमारा एंड हम हमेशा इसे रिस्पेक्ट दिलाते रहें और आगे बढ़ते रहें जो भी हमारे प्रेफरेंस फील्ड्स हैं और जैसे हम देखते नहीं आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने सारे प्राउड एथलीट्स हैं कितना अच्छा वो खेले हैं जो प्लेयर्स हैं वो जो भी उन्होंने जंप करी रन करा जो भी करा परफेक्ट और उस टाइम पर जब वो तिरंगा होल्ड करते हैं इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म तो हम सब जितने भी हम सारे हैं हम भी ये दिन अपने देश को दिखाएंगे एंड अपने फ्लैग को इसी तरह से ऊंचा करेंगे पूरे देश में पूरी दुनिया में एंड एवरी वे थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग वंस अगेन अ वेरी हैप्पी सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे जय हिंद जय भारत